टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदिल अमजद, उनके साथ मौजूद है मरियम नफीस और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 नाइस यार। होगा कुछ यूं, आपसे एक सवाल होगा, उसके दो जवाब हैं, आपने एक उसमें जवाब देना है, तीसरा जवाब आप नहीं दे सकती। जब हम आपसे कहेंगे तब आपने हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आपने ये क्यों कहा। ठीक है जी, तैयार हैं? एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। थिएटर या फिर टीवी? वो थिएटर। फोन कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट। YouTube या Netflix? Voice notes actually. Voice note? ओए होए, voice notes आजकल voice notes के बड़े मसाइल चल रहे हैं। हाँ, सीधा एक बटन दबाओ बात करो। है ना? अब तो वो भी आ गया, तेज भी कर सकते हैं। हाँ, सुनने को भी नहीं है ना call। ये voice note और video notes आज वो देखा नहीं था, एक साहब की video भी आने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, YouTube या Netflix? Netflix। Facebook या Instagram? बहुत नहीं है हमारे यहाँ। एक एक है, एक कुछ एक Instagram। Instagram, ओके। उस्मान खालिद भट्ट या फिर अहमद अली अकबर? उस्मान खालिद भट्ट, बोथ आर वेरी डियर टू मी। नहीं नहीं, ये कवर नहीं, कवर नहीं चाहिए। पता लग गया, उस्मान खालिद भट्ट, आपकी कड़क दाढ़ी इनको बहुत पसंद है। उस्मान खालिद भट्ट, शुक्र करो मैंने दूसरा ऑप्शन भी सुना है, वरना वो भी क्या आगे मैं दूसरा ऑप्शन भी नहीं सुनती। वो अहमद साहब भाई, सॉरी, बड़ी कोशिश की हमने लेकिन नहीं हो सका, वो इनके कान का मसला। अच्छा, महविश हयात या फिर माहिरा खान? माहिरा। माहिरा यार बहुत लोग पसंद करते हैं माहिरा, माशाल्लाह से। माशाल्लाह, वेरी ब्लेस्ड माहिरा, यू आर वेरी ब्लेस्ड। मुल्क की एंबेसडर हैं वो यार, माशाल्लाह से। विंटर्स या समर्स? ऑटम एंड स्प्रिंग। नहीं, एक विंटर्स या समर्स। सुनी क्या आवाज? ऑटम और स्प्रिंग दो। एक ऑटम या विंटर्स? ठीक है जी। ये बताइए कि अमीर दोस्त या सच्चे दोस्त? सच्चे दोस्त। डॉग्स या कैट्स? अमीर दोस्त कौन चूज करता है? अच्छा, होंगे आपके आप भी सारे अमीर। हमसे पूछे आप, कोई आपने कभी ड्राइवर से दोस्ती नहीं की होगी? हमसे पूछे आप, हमसे पूछे। अच्छा, डॉग्स या कैट्स? डॉग्स। आज भी पूछिए। ये बताइए कि जहाज में जाना पसंद है या ट्रेन में? जहाज में। अच्छा, ये बताइएगा सच सच के, कभी जहाज में जब बिजनेस क्लास की तरफ से गुजरना हुआ या कभी बैठना हुआ तो तस्वीर खिंचवाई या ना खिंचवाई? नहीं, कभी ना खिंचवाई, नहीं खिंचवाई। वेरी गुड। ये बताइए कि अगर कहीं रेस्टोरेंट में बैठी हैं और दो बच्चे जो हैं करके पूरे रेस्टोरेंट में शोर कर रहे हैं तो क्या करेंगे? उनके माँ बाप को शिकायत लगाएंगे, उन बच्चों को मुंह में चिप्स डाल के चुप करा देंगे? नहीं, मैं उनके माँ बाप को कैंडीज दूंगी कि ये अपने बच्चों को टैकल करें। ठीक है, ये बताइए कि अपने नाखून खुद काट लेती हैं या मैनीक्योर पेडीक्योर कराती हैं? दोनों। बाल आपको एक, एक दोनों कौन है? एक मतलब खुद भी काटते हैं और मैनी पैडी भी पसंद किया है मरियम। पसंद मैनी क्या है? मैनी पैडी। अच्छा, ये बताइए कि घर में लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलाती है या पड़ी रहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोशिश करती हूँ? ऑटोमेटिक जनरेटर खुद चल जाता है। ओ, तो नाज़रीन, मरियम नफीस ने दूसरे ही सेगमेंट में शो ऑफ किया गया, इनके पास ऑटोमेटिक जनरेटर है। मतलब अच्छा, मैंने कहीं नहीं देखा कि लड़की जनरेटर चला रही हो। हाँ, मतलब कौन घर का? इस मुल्क की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, वो एक मैंने अलग ये नहीं बात कहा है। कि वो नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कहा मैंने देखा नहीं है। हाँ, मेरे घर में तो लड़कियां चला लेती जनरेटर। आपके घर में ना, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, देसी खाना या अंग्रेजी खाना? That says a lot about you. आप क्या कर रहे हो? आप क्या? मैं लाश की तरह पड़ा हूँ जब तक चल नहीं आता। वो जो लाश वाला ऑप्शन था वो ये था, अपने लिए था। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? Both. अच्छा, I'm a foodie, I love both. एक preference. यार ये both. एक preference. मैं चाय फेंक दूंगा अपने यहाँ से। एक preference. है है. ज़्यादा preference क्या है? मतलब देसी खाना या अंग्रेजी खाना? I'm very moody about English में भी यही बोलना पड़ेगा आपको। देसी खाना। अच्छा, ये बताइए वो चिकन के अंदर चेस्ट पीस खाती हैं या लेग पीस? लेग पीस। थाई पीस एक्चुअली। थाई पीस। थाई पीस। ये कौन सा है? लड़के को पता ही नहीं है। लेग होता है, चेस्ट होता है, दुकान पे करा था कौन सा? लेग 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 लेग। अच्छा, वैसे ऐसी लॉजिक पूछ रहा हूँ, चेस्ट पीस क्यों नहीं खाती? वो बहुत ड्राई होता, ड्राई होता है, मुझे अच्छा, पता ये जवाब। हाँ हाँ, ये अमीर, यू नो, रिच। अच्छा जी, उधार देकर भूल जाती हैं या फिर वापस मांगती हैं? नहीं, वापस कौन मांगता है, है? खुद देते हैं तो उधार कहते हैं, इसीलिए कि आप वापस मांगे। नहीं, मांगते नहीं, मांगती नहीं हूँ, लेकिन देती इतना हो जो खुद फर्क ना पड़े। कितना कितना कोई उधार दिया आपने? दैट डिपेंड्स।
किस पे? नहीं नहीं, अब तक दिया कितना है? भाई मैं आ गया यार, मरियम प्लीज मुझे उधार गिफ्ट कर दो। उधार गिफ्ट कर दो, उधार गिफ्ट कर दो, गिफ्ट 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 कर दो। हाँ कितना देंगे आप? जितना आपको चाहिए। 5 लाख। हाँ ओके ओके भाई। नाजरीन मरियम ने बताया कि इसके अकाउंट में कम से कम भी 50 लाख रुपए मौजूद है। 5 लाख का कोई मसला ही नहीं है। 5 लाख का कोई मसला ही नहीं है। वेरी गुड। अच्छा जी, कैजुअल शूट्स या ब्राइडल शूट्स? कैजुअल शूट्स। चूसने वाला आम या काट के खाने वाला आम? क्योंकि आम जो सीजन आ है। हाँ काटने वाला आम। काटने वाला आम ज्यादा आसान होता है। बाइक या बाइसिकल? बाइसिकल। ऑलराइट। मंशा पाशा या मुमल शेख? ओ तेरी अदा। इंडियन गाना गा रहे हैं? मैं गाना गाया नहीं है, मैंने आपको देख के कहा तेरी अदा कितनी प्यारी हो। ये क्या सीन है वाला यार? दोनों होता है एक यार। हमें पता है आपके दोस्त हैं, हमें पता है आपको अच्छे लगते हैं, हमें पता है आपने काम किया। मंशा मंशा पास। मंशा ओके, बस इतनी सी बात थी। ये बताएं कि पैसेंजर या ड्राइवर? आप एज अ पैसेंजर प्रेफरेंस करती हैं ड्राइवर? इस्लामाबाद में ड्राइवर ओके, और कराची में पैसेंजर। बड़ी लिखी बात है। क्यों सर में दर्द है यहाँ पे? तो गाड़ी चलाना, ड्राइव करना बहुत मुश्किल काम। अच्छा आपको पता है मैं अभी अपनी गाड़ी जो है वो सैलॉन पे छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि मैंने नहीं चलानी। नहीं चला सकती। सैलॉन में क्यों छोड़ दी गाड़ी? मतलब बाहर वहां तक गई थी ना। अच्छा अच्छा जी। मुनाफिक या फिर यारियां? मुनाफिक ओके। जुनैद खान या मुनीब भट्ट? जुनैद। और मुनीब क्यों नहीं आई? पहली एक्सप्लेनेशन मांगी है। जुनैद से लाइक दोस्ती है। जुनैद से दोस्ती ज्यादा है। ओके। बर्गर या बन कबाब? बर्गर। वो केचप या इमली की गंदी चटनी? केचप। केचप ठीक है। जिम या घर पे वर्कआउट? घर पे वर्कआउट डेफिनेटली। ये छुट्टी वाले दिन घर पे पड़ी रहती है या दोस्तों के साथ बाहर घूमती रहती है? बोथ। आधा आधा दिन। आधा आधा दिन देना जरा मुझे उठा। एक जवाब, एक जवाब। आधा आधा दिन नहीं, सो बेसिकली 5 बजे तक मैं घर पे होती हूँ और 5 बजे के बाद मैं दोस्तों के साथ होती हूँ। ओके ओके। तो दोनों दोनों जगह मैनेज किया। बैलेंस बैलेंस। हाँ क्योंकि एक ही दिन तो होता है, दोस्तों को भी देना और आराम भी करना है। वाह चलेगा। पैसे या पैशन? हाँ पैसे या पैशन? पैशन। बालों में खुद तेल लगवाना या तेल लगवा के चपा चप कराना? नहीं, सो इफ आई हैव एन ऑप्शन तो मैं लगवाऊं, बट क्योंकि नहीं होता तो फिर खुद भी लगाना। दीवार पे लगा के? नहीं ऐसे ऐसे करते हैं, दीवार पे लगा के कौन करता है? क्या ये क्या ऑप्शन था? लोनली आदमी की चीजें हैं, बता छोड़ो पागल हो गए तुम। मैंने अपने अच्छा नाखून काट के ना दीवार पे चिपका दिए। अच्छा तो कभी कोई नहीं होता तेल लगा? ए डिस्गस्टिंग। आप क्या जानो अकेले मर्द की कहानी। अच्छा जी ये बताएं, इंजेक्शन या टैबलेट क्या प्रेफरेंस? टैबलेट। वैक्सीन लगवाना या वैक्सीन नहीं लगवाना? वैक्सीन लगवाना। वैक्सीन सब लगवाएं, खुदा के लिए प्लीज जाके वैक्सीनेशन करवाएं। हाँ हम काशी भाई को हमने कहा वैक्सीन लगवाए, वो गोरे होने के टीके लगवा के आ गए। और ये टीके लगवाने असर क्यों नहीं किए? ये टीके लगवाने के बाद ये हाल है। आप कह रही हैं गोरे लगाने का टीका असर नहीं किया? काशी भाई देखे उनके सफेद हो रहे हैं। काशी भाई मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं बिल्कुल। काशी भाई की सबसे अच्छी आपको बात बताऊं? मुझे भी नहीं पता कैसी बात है। काशी भाई की बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। ओह वेरी नाइस। मेल को एक्टर्स या फीमेल को एक्टर्स? फीमेल को एक्टर्स। ठीक है। ननिहाल या ददियाल? हाँ ननिहाल या ददियाल? ननिहाल। पाकिस्तान में घूमना पाकिस्तान से बाहर घूमना? दोनों। दो यार प्लीज। नहीं नहीं ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा सवाल बिकॉज सी आई फील दैट आपको पहले अपना मुल्क जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज वी हैव अ गॉर्जियस कंट्री माशाल्लाह। बताओ गॉर्जियस का मतलब? बताओ गॉर्जियस क्या है? गॉर्जियस का मतलब मुझे क्या पता, मतलब अच्छा ही होगा। हसीनो जमील। हसीनो जमील। हसीनो जमील मेरी एक दोस्त सितरा जमील या हसीनो जमील ये पता। चल ठीक है, ये तो आपने बड़ा वो जवाब दे दिया ना कि पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को अपने साथ साथ कर लें, साथ साथ चले जाएं। अच्छा साथ साथ चले जाएं। साथ साथ 14 हो गए ना, उसको छोड़े आप। ये बताएं अगर मैं आपको एक मौका मिले कि जी पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर रहना? पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये बताएं अपनी सिक्योरिटी खुद करना या किसी से करवाना? खुद करना। खुद करना, करना। हाँ। अच्छा कॉन्सर्ट में जब जाती थी, कभी तो गई होंगी इस्लामाबाद में तो बहुत होते हैं। हाँ। क्या वहाँ खुद यूं ऐसे ऐसे करती रही, एंजॉय करती थी या अपने लड़के दोस्तों को बोलती थी मेरे आसपास सर्कल बनाओ? नहीं नहीं खुद एंजॉय करती, खुद एंजॉय करती। मैंने क्यों सर्कल क्यों बनाओ? कॉन्सर्ट में मैंने बहुत देखा है कि लड़कियां बीच में तीन होती हैं। हाँ। और 8 लड़के ना एक तो मुंह उधर करके एंजॉय कर रहा होता होता है ना कॉन्सर्ट देख भी नहीं रहा था बेचारे को। वो वहाँ वो ऐसी बहुत सारी जगहों पे होता है। एक टाइम पे मेरे भी 2 दोस्तों ने मुझे आगे पीछे से अगर बहुत जरूरी काम कर रही हो और फैन आ जाए की सेल्फी लो क्या बोलेंगे यार अभी काम कर रही हूँ थोड़ी देर? नहीं, नहीं, वो तो हमेशा
अच्छा अब आप मुझे बताएं, दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अब हम जरा जो हाँ जब जो फन था वो खत्म हो गया, अब जरा सीरियस दो बातें हमने करनी, सिर्फ दो सवाल आते हैं। आज ही पहले पूछेंगे फिर मैं पूछूंगा। अच्छा आपसे ये सवाल पूरी डिटेल दे देना। हाँ आपसे ये सवाल मैंने इसलिए बनाया और सोचा कि पूछूं क्योंकि आप दूसरे शहर से आई हैं और माशाल्लाह कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से आई है, तो एक तो आप बहुत यंग हैं तो बहुत से यंगस्टर्स आपको फॉलो करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि शो में फन भी हो लेकिन थोड़ी सी नई जनरेशन के लिए, जैसे आप कहती हैं कि ड्रामा इसलिए करती हूँ कि उसका एक मैसेज हो तो वो आप तक पहुँचे। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, आई वुड रिस्क इट पूछना, और आपसे भी यही कहूँगा कि सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा क्योंकि डिजिटल मीडिया को पता है फिर लोग वायरल कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जितना एक्सपोजर है माशाल्लाह, आपका जो बैकग्राउंड है, करियर है, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है? अब वो हर तरह से आपने सोच के बताना है कि इन दोनों में से क्या बेहतर है, लास्टिक वाली शलवार या नाड़े वाली शलवार? पता नहीं क्या सोचा था क्या सवाल आने वाला है। हाँ, I was like, because see, I would have loved that, but elastic वाली शलवार। यार सब मतलब जितने हैं सिवाय टीपू भाई के, सब इलास्टिक पे खुश है माशाल्लाह। टीपू भाई और मैं भी। तुम भी? मैं भी। हाँ तो कैसे लगेंगे आप बांधते हुए? बार बार लाएगा। कैसे लगेंगे वो जाते हुए बिजली नाड़े को मेरे को रेस दे दे? ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी लोगों के तो वो बैठते तो कमीज के अंदर से नजर भी आ रहा है। हाँ, exactly. वो तो देखे शान है, कोई शानवान नहीं है। आप रंग बिरंगे लो, शान एक्टर है। नो सॉरी, वो नहीं है। एटिकेट्स एटिकेट्स होते हैं। हाँ, भाई नाड़े को क्या पता कि एटिकेट, वो तो अरे कहां नाड़े पहनने वाले को बताना, मेरा सवाल फंसा है भाई। एक मिनट, आप मुझे पर्सनली बताओ। पर्सनली आर भी होता है। हमारे पठान भाई जो है वो शीशे वाले रंग बिरंगे पहनते हैं। ओ यार उनको बोलो तो उनको संभालना भी सीखे, मुझे मसला नहीं है। हाँ, आपको फैशन करना है या आपने रंग बरंगा कहीं और लगा लो भाई। भाई लड़कियां लड़के ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें पहनते वो भी फैशन है, वो उनका फैशन। नहीं तो आप नाड़ा किसी को दिखाने के लिए पहनते हैं? दिखाने के लिए चीज थोड़ी है। आपकी आप बेल्ट पहनती है नजर क्यों आती है? ये बहुत लंबी बहस है नाड़े और नाड़े बेल्ट और लास्टिक को लेके, इसको यहाँ खत्म कर लेंगे। सवाल करने थे। हाँ जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आदि या फैजान है? नहीं गए में। और इसका जवाब लास्ट में देना और एक्सप्लेनेशन नहीं है बस। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन, एक नाम ले लियो ठीक है, होशियार ही नहीं। आदि। भाई लड़का इस कदर खुश हुआ है, कहते वहां जाके नाचो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं। मैंने कहा वहां जाके नाचो, घर में तुम्हारे बाप का नौकर हूं। और बदतमीज हो गया ना फौरन। नहीं, आई लाइक पीपल विद ह्यूमर। थैंक यू। ओके जी, आइए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा खेला। आइए तशरीफ रखिए। काशी भाई हमारे पास मौजूद है। जी सर।